बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ज़िंदगी कैसी गुजरी है? आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये थोड़ी सी पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जो कि रिसर्च कम्युनिटी है उनके लिए है। तो माजरत चाहता हूँ, जो आम आवाम, अगर कोई बंदा आम लोगों में से इसको देख रहा है और उसको मेरी बातें समझ ना आए, तो बस वो इतना करे कि एक लाइक का बटन दबा दे और वीडियो को बेशक क्विट कर दे, तो उससे मेरा कोई गिला नहीं होगा। वैसे बैठा था मैं, वाशरूम के अंदर बैठा था, तो मुझे सोच आई कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर वो तमाम एप्लीकेशंस लिस्ट कर दी जाएं कि जो एक रिसर्चर को काफ़ी हद तक ज़रूरी होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, और एक रिसर्चर के मोबाइल के अंदर और उसके कंप्यूटर के अंदर वो तमाम एप्लीकेशंस मौजूद होनी चाहिए। आप कहीं निकले हुए हैं और अचानक से आपके प्रोफेसर ने आपको मेल कर दी कि भाई मुझे ये चीज़ सेंड करो। अब प्रोफेसर तो उसकी बला जाने आप कहाँ फंसे हुए हैं, एंड ही डोंट केयर अबाउट इट कि आपकी क्या 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 मसला है। अगर आप मर भी रहे हैं तो प्रोफेसर कहेगा, अच्छा 2 मिनट रुक, मुझे ये काम करके फिर मर जाना। तो प्रोफेसर डोंट केयर अबाउट इट कि आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या मसले हैं, क्या तकलीफें हैं। उनको काम चाहिए और उनकी मजबूरी होती है, उनको डेडलाइन फॉलो करनी होती है, लिहाजा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डेडलाइन के ऊपर काम या डेडलाइन से पहले काम प्रोवाइड करें। तो ऐसा उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप अपने आप को डिजिटल करें, जब आप अपने आप को डिजिटलाइज करें, आपको सिर्फ लैपटॉप के खुद हद तक महदूद ना रखें अपने आप को। लैपटॉप को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है रिसर्चर के लिए, लेकिन फिर सेल फोन को, आधी रिसर्च आप सेल फोन से निपटा सकते हैं अगर आपको ये मालूम हो कि आपने सेल फोन को कैसे यूज़ करना है रिसर्च के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम APP आपके सेल फोन के अंदर मौजूद होनी चाहिए, और उन एप्लीकेशंस में सबसे पहला नंबर हमेशा से आता है रिसर्च गेट का, क्योंकि रिसर्च गेट वो प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आपको हर तरह का आर्टिकल, हर तरह की रिसर्च और ख़ास तौर पर लोग जो रिसर्च कम्युनिटी के होते हैं वो मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप अपनी प्रायोरिटी वहाँ सेट करते हैं रिसर्च गेट के अंदर, तो आपको सिर्फ उसी तबके के लोग दिखाई देंगे जो आपकी प्रायोरिटी से लिंक्ड हैं। रिसर्च गेट इसी तरह है जिस तरह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं, इसी तरह से रिसर्च गेट पर आपका रिसर्चर्स के साथ इंटरेक्शन होता है और रिसर्चर्स से आप बातचीत कर सकते हैं, उनकी उनकी पोस्ट्स पे कमेंट कर सकते हैं, उनकी पोस्ट को लाइक्स कर करते हैं। पोस्ट क्या होती हैं? पोस्ट उनके या पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं, या कोई पोस्टर होता है, या कॉन्फ्रेंस पोस्टर, बला बला बला। आपके कंप्यूटर में, आपके टैब में, आपके सेल फोन के अंदर रिसर्च गेट की एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए, चलते फिरते कहीं आते जाते। बाज़ औक़ात मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपके मोबाइल में रिसर्च गेट की APP मौजूद हो, तो बाज़ औक़ात बस में बैठे हुए बंदा वैसे ही रिसर्च गेट ओपन करे तो कोई एक ऐसा आर्टिकल सामने नज़र से गुजर जाता है कि जिसको देख कर आपके जहन में एक नया आइडिया डिवेलप हो जाता है और आप अपनी रिसर्च को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में लाजमी रिसर्च गेट की APP मौजूद होनी चाहिए, और बहुत खूबसूरत किस्म की APP डिज़ाइन की हुई है रिसर्च गेट फोरम ने, जो कि आप अपने प्ले स्टोर से और गूगल स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसको सिंक कर सकते हैं। सेंसिंग अवेलेबल होती है, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका सारा डेटा उस पर अवेलेबल होगा और आप सारी अपनी रिसर्च को भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने सर्कल के और अपने फील्ड के उन हजरात को भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी रिसर्च आप जिनकी रिसर्च को आप मोतबर समझते हैं। दूसरे नंबर पे आती है मेंडले। मेंडले एक ऐसा फोरम है कि जिसकी मदद से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना थीसिस कंपाइल कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेंडले का अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने www.mendeley.com पे जाना होता है और वहां जाकर आप अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन देकर साइन अप कर लेते हैं। अपनी सारी जो भी आपके रिपब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन सब को आप वहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मेंडले उसको ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में लेकर आएगा और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल, जब आप कहीं रेफरेंसेस डालते हैं थीसिस के अंदर, जब आप रेफरेंसेस की लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि खास स्टाइल के अंदर ये लिस्ट बनाई जाए, तो मेंडले आपको हर वो ऑप्शन अवेलेबल करता है और आप अगर सिर्फ एक क्लिक करते हैं कि इस स्टाइल में मुझे रेफरेंसेस की लिस्ट फर्निश करनी है, तो आपको डेटा एज इट इज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे आती है फ्लिपबोर्ड। फ्लिपबोर्ड एक बहुत ही मशहूर APP है जिसको तकरीबन मिलियंस की तादाद में लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा फोरम है कि जिसके अंदर आप खबरें और ब्लॉग्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके 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 APP में सामने आते रहते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं।
और उसके लिए भी तरीकाकार वही होता है कि आपने एपीपी डाउनलोड करनी है सेलफोन के अंदर, आप उसको लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, और डाउनलोड करके अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी प्रायोरिटीज उसमें सेट करते हैं। एक ऑप्शन आएगी व्हाट्स योर पैशन, तो उस पैशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके नेक्स्ट आइकन के ऊपर, तो आप अपनी डोमेन को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का बंदा हूं, तो मैं वहां पे सर्च करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मेरी डोमेन का जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, जो ब्लॉग्स होंगे, कंटेंट्स होंगे, वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह आप अपनी मन पसंदीदा टॉपिक को वहां पे सर्च करते हैं अपने पैशन के एतबार से, तो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर एक एपीपी है रिसर्चर के नाम से, और ये वो एपीपी है कि जिसके अंदर आप बआसानी जर्नल्स फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल मरहला होता है जब आपके पास, यानी एक 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 यकीन कीजिए कि रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं होता, उस रिसर्च को बाद में पब्लिश कराना इतना मुश्किल प्रोसेस है, मुश्किल हो जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा। और जो जो इस फील्ड के अंदर जो लोग नए इन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो जब जब उनको ये डिसाइड करना होता है कि उनका टॉपिक किस जर्नल से रिलेटेड है, और इस टॉपिक को या इस पेपर को जो उन्होंने जो इस साल 6 महीने के अंदर एक काम तैयार किया है, इसको किस जर्नल में भेजा जाए। तो उसकी आसानी के लिए एक एपीपी है रिसर्चर, और ये रिसर्चर एपीपी की खूबसूरती ये है कि ये आपको डेली बेसिस पर ऐसी सजेशंस देता है, ऐसे जर्नल्स की सजेशन देता है जो आपकी प्रायोरिटीज में होती हैं, जो आपके कीवर्ड्स में होती हैं, और आपकी रिसर्च से लिंक्ड होती हैं, तो वो तमाम के तमाम तर जर्नल्स आपके सजेशन में आते रहते हैं। तरीकाकार वो बिल्कुल सेम है कि आपने एपीपी डाउनलोड करनी है, अपना अकाउंट बनाना है, एंड दैट्स इट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसको क्या किया जा सकता है। एक रिसर्चर के पास प्लेजरिज्म चेक करना हो तो वो उसकी रिसर्च इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप जितना मर्जी खुद से लिखें, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन फिर भी आपको ये डाउट रहता है कि कहीं मेरे काम के अंदर प्लेजरिज्म ना हो, लिहाजा आपको प्लेजरिज्म चेक करना होता है और उसकी आपको जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपके पास प्लेजरिज्म चेकर जरूर होना चाहिए। सब प्लेजरिज्म चेकर की एपीपी के अगर एतबार से देखा जाए तो plagiarism.net बहुत अच्छा काम करता है, और आप इस ये एक फ्री एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आप अपना अपने 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 काम का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर पेड की बात की जाए तो ऑफ कोर्स सबसे बेहतरीन टर्निटिन है, और लेकिन टर्निटिन का अकाउंट पेड होता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, या आप जिस यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड होते हैं उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने उसको अपना अकाउंट वहां से लेना होता है। तो अगर तो आपके पास टर्निटिन की फैसिलिटी मौजूद है तो दैट इज़ वेरी गुड, अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो plagiarism.net इज़ अ फ्री एप्लीकेशन, इसको यूज़ करते हुए आप अपने काम का प्लेजरिज्म बआसानी चेक कर सकते हैं। फिर जनाब एक एपीपी है गूगल कीप। गूगल कीप जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा है कि ये आप कोई चीज, फॉर एग्जांपल आप ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक से आपके जहन में एक आइडिया आ गया, तो आप उस टाइम आपके पास पेन पेंसिल कुछ भी नहीं है, लेकिन और आप उसको किसी ऐसी जगह पर भी सेव रखना चाहते हैं कि जहां से आपको बाद में बआसानी वो चीज़ मिल जाए, तो आप गूगल कीप के अंदर आप उस आइडिया को महफूज कर सकते हैं, और आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि फलां वक्त जब मैं घर पहुंच जाऊंगा या जब मैं फ्री हो जाऊंगा अपने काम से, तो कीप को आपने बताना होता है कि प्लीज रिमाइंड मी अबाउट दिस, तो गूगल कीप आपको उस टाइम पे रिमाइंड कराएगा, और उस खास टॉपिक और जो भी आपके जहन में आइडिया था वो आइडिया आपके सामने दोबारा रिमाइंड हो जाएगा। क्योंकि मसला ये होता है कि जो एक रिसर्चर होता है उसकी सोच बहुत ज्यादा गंभीर किस्म की होती है, वो बहुत एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है, उसका जहन कभी शमाल में होता है, कभी जनूब में होता है, कभी मशरक जा रहा है, कभी मगरब जा रहा है, कभी उसने प्रोफेसर के बारे में सोचना होता है, कभी उसने अपनी लैब के बारे में सोचना होता है, कभी उसको टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता, और टॉपिक समझ आए तो डायरेक्शन सेट नहीं हो रही होती, डायरेक्शन सेट हो जाए तो ये नहीं समझ आती कि मैं करूँ क्या और काम कैसे करूँ। तो बड़े मसले हैं जनाब, इन मसलों को हल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, और लिखेंगे कहाँ, अब मसला ये भी होता है कि आप हर टाइम कॉपी पेन तो पकड़ के बैठने से रहे, लिहाजा आपके पास आज के दौर में, जदीद दौर में ऐसी बहुत सारी एपीपी मौजूद हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, अगर आप डिजिटल होके चलें तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। गूगल कीप इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एपीपी विच कैन हेल्प यू टू रिमाइंड यू अबाउट द आइडियाज विच यू गॉट इन योर बिजिएस्ट आवर्स। और जनाब आखिरी एपीपी जो मैं रिकमेंड करूंगा अपने तमाम रिसर्चर दोस्तों, भाइयों और बहनों को, वो है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर एक बहुत ही कन्वीनियंट एपीपी है
जो आपको एज अ स्कैनर हर टाइम आपके मोबाइल में मौजूद होनी चाहिए। और इस एपीपी को यूज़ करते हुए आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी वक्त स्कैन कर सकते हैं। आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट इमेजेस का पीडीएफ बना सकते हैं और आप वहां से डायरेक्ट उसको ईमेल भी कर सकते हैं। कैम स्कैनर के अंदर आप रजिस्टर होके कुछ आजकल शायद उन्होंने कुछ पैसे रख दिए, पहले फ्री होता था, तो आप कुछ पे करके उसका रजिस्टर्ड मेंबर भी बन सकते हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर होंगे तो उसका सिग्नेचर नहीं आएगा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो शायद नीचे सिग्नेचर आ जाए, लेकिन दैट डजंट मैटर, सिग्नेचर की खैर है, मगर कैम स्कैनर आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस क्रिएट करता है, क्योंकि आप किसी भी टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, उसको कैप्चर करके पीडीएफ बना सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं कैम स्कैनर के थ्रू। और ये तमाम वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक रिसर्चर के मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्चर आज के दौर में सिर्फ लैपटॉप की हद तक महदूद नहीं होता, बल्कि रिसर्चर आप यूँ समझ लें कि एक चलती फिरती मशीन है, कि हर टाइम उसने कुछ ना कुछ करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिनको आप सिर्फ सेलफोन के जरिए ही निपटा सकते हैं, तो सेलफोन के अंदर ये तमाम एपीपी अगर मौजूद हो तो आपका काम बआसानी हो सकता है। ये 4-5-7 वो एपीपी हैं जो मैंने पर्सनल इस्तेमाल की हैं, और पर्सनली मैं ये महसूस करता हूँ कि ये एपीपी हर रिसर्चर के मोबाइल के अंदर होनी चाहिए, और इन एपीपी को यूज़ करते हुए आप अपने काम को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट कर सकते हैं। बाकी रिसर्च तो जब एक दफ़ा आप रिसर्च में घुस गए तो फिर आप ये समझ लें कि वही इमरान खान साहब वाली बात है कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। एक रिसर्चर के ऊपर ये बात बिल्कुल परफेक्ट आती है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, क्योंकि कब्र से पहले हर टाइम आपने रिसर्च के बारे में सोचना है। तो जनाब, ये वो कुछ एपीपी हैं जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होती हैं और आपके सेलफोन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इन एपीपी को यूज़ करना हर बंदे को आना चाहिए अगर आप डिजिटल होके रिसर्च को आगे लेकर जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की बाकी मसरूफियात को भी साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आपका मोबाइल भी लैपटॉप होना चाहिए और आपका लैपटॉप भी एक मोबाइल होना चाहिए जो आपको चलते फिरते कहीं पे भी रुकावट ना बने और आपके काम में आसानी पैदा करें। अगली किसी वीडियो के इंतज़ार में मत रहिएगा, जब मुझे मौका मिला मैं एक नई वीडियो बना के चढ़ा दूंगा, लेकिन मोस्टली मैं वेला नकम्मा ही होता हूँ, तो वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह जल्द आएगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।